इतनी रात में भी कई घंटों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा अपने भाई को बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए, प्यार देने के लिए आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि हम आप लोगों के बीच आए हैं जन विश्वास यात्रा के तहत। आप लोगों का विश्वास चाहिए, आप लोगों की ताकत चाहिए, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद समर्थन चाहिए। आगे लड़ाई है, आपकी लड़ाई लड़ने आया हूँ। आप समर्थन दीजिएगा, साथ दीजिएगा, दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दीजिएगा तो मन मिट्टी के लिए भी तैयार है आपके लिए। हम लोगों ने जो वादा किया था, उप मुख्यमंत्री रहते हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दिलाया, लेकिन 17 महीने में ही ये काम हुआ जो 17 साल में नहीं हुआ। तो आप लोगों के बीच आए, आप लोगों का साथ मिले, और हम लोगों ने ठाना है कि भाजपा को भगाना है और भाजपा को भगाएंगे। हमारे चाचा जी तो पलट गए, वो भी आए थे हम लोग साथ ताकि हम लोग बिहार में भाजपा को भगाएं, देश से भाजपा को भगाएं, क्योंकि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, कहीं भी कोई काम नहीं कर रही, नफरत फैलाने का काम करती है, धर्म के धर्म से लड़ाने का काम करती है। इसलिए आज आप लोगों के बीच आए, हम लोगों ने 17 महीने काम किया और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की ताकत के बदौलत राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2020 में हम लोग लड़े थे, भाजपा नीतीश जी सब साथ थे, तब भी उनका 30 हेलीकॉप्टर उड़ता था, हमारा 1 हेलीकॉप्टर उड़ता था, फिर भी हम लोगों ने सरकार बनाया था। लेकिन जैसे चंडीगढ़ में मेयर में चुनाव में जैसे बेमानी किया गया, वैसे 15-20 सीट हम लोगों को हरा दिया गया। 122 सीट बहुमत के लिए चाहिए था, हम लोगों का 115 आया, यानी केवल 7 सीट ही हम लोग जो है दूर रहे, मात्र 12,000 का अंतर रहा बेमानी के बाद। तो हम लोग इस बार उन लोगों को सबक सिखाना है, तो इसलिए आप सब लोग एक रहना, बटना मत, एक रहोगे कि नहीं रहोगे बताओ जरा, एकता में ताकत है, सिर्फ सब लोग मिल करके एक रहेंगे। लगातार सुभान साहब का घर रहे, हम तो इनके यहाँ आए भी हैं, रकबुद्दीन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया और हमारी ताकत को बढ़ाने का काम किया। हम लोग सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, किसी के मान सम्मान में कमी ना छूटे, ये तेजस्वी पे भरोसा रखना, सबको मान सम्मान देने का काम करना, दोनों को ताकत दीजिए और हम लोग मिल करके नया बिहार बनाएंगे, जहाँ विकास की बात हो, उद्योग की बात हो, निवेश की बात हो, कारखाने की बात हो, नौकरी की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा बिहार बनाना है जो सबका तरक्की हो, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी लोगों को मिले। क्योंकि मोदी जी तो कहते थे महंगाई कम करेंगे, लेकिन पहले डाइन लगती थी, अब मोदी जी को महंगाई भौजाई लगती है। इसलिए ये लोग झूठे लोग हैं, मोदी जी बोलते थे किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 तक, क्या हुआ, आय दुगुना हुआ किसानों का, नहीं हुआ। मोदी जी बोलते थे 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या हुआ, नहीं हुआ। मोदी जी बोलते थे 22 तक हर घर जिसका झोपड़पट्टी है पक्का का नहीं है, पक्के का मकान बना देंगे, बताओ क्या हुआ। गरीब तो गरीब होता चला गया, लेकिन देश के 30-25 अमीर लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं ये चौकीदार हैं, ऐसा चौकीदार भगवान ही किसी और देश को ना दे। माल्या जी भाग गया, माल्या को कोई नहीं ढूंढ रहा, ललित मोदी को कोई नहीं ढूंढ रहा, मेहुल चौकसी को कोई नहीं ढूंढ रहा, सब बैंक लूट लूट करके कर्जा ले ले करके
चले गए, नीरव मोदी को कोई नहीं ढूंढ रहा। ईडी और सीबीआई को इनको पकड़ना था, लेकिन हम लोगों के पीछे लगा दिया गया है। अरे जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डर जाएगा। अरे आप लोग हैं मालिक, आप लोगों ने ताकत दिया है, हम लोग अंतिम सांस तक जनता के लिए लड़ेंगे। हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, हम लोग गड़बड़ नहीं करते हैं। जहाँ खड़े हैं शुरू से वहीं हम लोग खड़े हैं। आप देख लो देश के बड़े बड़े नेता झुक जा रहे हैं, ईडी से सीबीआई से डर के भाजपा ज्वाइन कर ले रहा। भाजपा जो है पैसा लालच दे करके खरीद ले रही है, तो पैसा के चक्कर में भाजपा चला जाता है। तो भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है। अगर आप कितने भी भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन भाजपा में चले जाओगे तो आप साफ सुथरे हो जाओ। अरे हम तो कहते हैं भाजपा डस्टबिन है, कूड़ादान है, सभी पार्टी का कूड़ा सब भाजपा में जा रहा है। इसलिए आप सब लोग ताकत दीजिए। ये अग्निवीर के बहाने बताओ सेना में कितनी बहालियां निकलती थी, ग्रेच्युटी मिलता था। अब कहां सेना में 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पे ठेका पर दे देने का काम किया। हमारे नौजवान भाई क्या करेंगे? इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए, और एकजुट रहिएगा तो हम लोग मिल करके बीजेपी और उनके सहयोगियों को बिहार से भगाएंगे। और एक बार बिहार ने रोक दिया तो समझ जाओ फिर इनको दिल्ली में बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो साथ मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे हुमच के बोलिए, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ। हर एक व्यक्ति इस नारे को लगाएगा, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। वो लोग तलवार बांटते हैं, हम लोगों ने 17 महीने में कलम बांटा है, कलम बांटा है। तलवार से क्या होता, दंगा फसाद होगा, बाल बच्चा जेल जाएगा, नौजवान पिस जाएगा, बेल होगा तब वो भी परेशान, उसका करियर परेशान। लेकिन जिसके हाथ में कलम मिलेगा, जो कलम बांटेगा, सारा परिवार खुश, लड़के का नौजवान का भविष्य भी सुनहरा। हम लोग भविष्य को सोच सजाने आए हैं, लेकिन ये भाजपा के लोग नौजवानों को लड़ा करके, आपस में भाइयों को भाई से लड़ा करके इनका भविष्य खराब करते हैं। आप सब लोग मिलकर के रहिए, बिहार की तरक्की कीजिए, हम सब लोग इस काम में लगेंगे, देश हमारा आगे बढ़े। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर अब्दुल कलाम नहीं होते तो आप समझ लो मिसाइल कैसे बनता। अब्दुल कलाम थे तभी ना मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट, देश की सुरक्षा के लिए उनका क्या योगदान रहा, वो भी मुसलमान थे। ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, नहीं तो मेरे ही बात कोई मीडिया वाला कुछ लोग इधर से उधर करके कुछ और प्रचार करता है। हम लोग तो भाई काम की बात बोलते हैं, मीडिया वाले लोग भी क्या करेंगे, वही लोग सब लोग बैठ गया है, सब आरएसएस का लोग बैठ गया, सब अमीरों के लोग हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को हम सुनो बॉस सुनिए, हाँ एक मिनट, अरे आप बहस कर इधर सुनिए। वाह क्या बात की, दिल जीत लिए। सुनो ना बॉस, सुनिए ना, हम सुबह से कहाँ कहाँ से चले बताइए, कहाँ से चले। चलिए चलिए सर, आगे और 4 जगह जाना है, 4 जिला, एक दिन में 5 जिला घूम रहे। हाँ हो गया, सब लोग साथ है, ज्यादा हीरो मत बनिए, हीरो मत बनिए, चलिए